2 महीने बचे हैं, तुम 2 महीने में क्लास 11 जो तुम्हें रद्दी भर भी समझ नहीं आई, तुम कैसे समझ लोगे? इतनी भी जल्दी क्या है, इतने महीने बाद मिल रहे हैं। सब आराम से बताता हूँ। हाँ, जिसे शाश्वत सिंह अनाया सिक्योर ऑल इंडिया रैंक ऑफ 7162 इन नीट 2024। इतनी समय बाद हम लोग मिल रहे हैं एंड उसका रीजन आपको पता ही चल गया होगा कि मैं लगभग लास्ट वीडियो मेरी आई थी शायद फरवरी या जैन के समय, फिर उसके बाद मैं नीट की प्रिपरेशन में पूरा मगन हो गया एंड वो आपको पता चलेगा इस वीडियो में कि पूरा प्रोसेस क्या था मेरा। अब इस वीडियो को हम लोग डिवाइड करते हैं 3 सेगमेंट्स में। पहला सेगमेंट रहेगा मेरे क्लास 11th का सेगमेंट, फिर दूसरा रहेगा क्लास 12th का सेगमेंट, तीसरा रहेगा ड्रॉप ईयर का सेगमेंट। लास्ट में मेंशन करूंगा कि मुझे कौन सा कॉलेज मिला है। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का सबसे पहला पार्ट जो कि था क्लास 11th। अब आप किसी भी नीट एस्पिरेंट से मिलोगे तो वो बताएगा आपको कि 11th क्लास का जो सेगमेंट होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारी नीट की जर्नी में, क्योंकि 11th क्लास से ही हमारा जो बेसिक्स होता है। अब देखो, अगर तुम CBSE बोर्ड से हो तो मेरे से रिलेट कर पाओगे कि 10th में कुछ भी नहीं होता है हमें पढ़ने के लिए। मतलब लिटरली हम लोग को बस रेजिस्टेंस, पैरेलल, सीरीज यही सब सिखाते हैं और लेंस बनाना सिखाते हैं कि लेंस में रे डायग्राम बनाओ। लेकिन 11th जब क्लास आती है ना तो 11th में समझ में आता है कि असली में फिजिक्स और केमिस्ट्री में होता क्या है। एंड मेरा सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक भी वहीं से था कि मैं क्लास 11th मेरी उतनी अच्छी नहीं गई थी, जिसकी वजह से मेरे को ड्रॉप लेना पड़ गया। अब क्लास 11th में नए नए हम लोग आए थे और हम लोग को पता भी नहीं था कि मतलब कि वेक्टर्स क्या होते हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत नया नया था। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई थी जितनी दिक्कत मेरे को वेक्टर्स और काइनेमेटिक्स समझने में हुई थी। तो क्लास 11th में मेरे मार्क्स काफी बुरे आते थे, लाइक 450 आते थे। मतलब जो फुल ग्रैंड टेस्ट होते थे हमारे उसमें 450 आते थे, कभी कभी तो मेरे 350 भी मार्क्स आए उसमें। एंड मैं हंस रहा हूँ लेकिन मुझे हंसना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा ऐसा था, मेरी क्लास 11th इतनी अच्छी नहीं गई थी। लेकिन उसके बाद जब क्लास 11th खत्म होते होते मैंने एक चीज़ ये सीख ली कि मेरे को ये समझ में आ गया था कि मुझे अप्रोच कैसे करना है। जो क्लास 10th वाली अप्रोच थी उसको हटा के मेरे को नई अप्रोच लानी पड़ेगी, क्योंकि बायो में भी हम लोगों को रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस जैसे नए नए चैप्टर्स थे। अब फोटोसिंथेसिस तुम लोग 8th क्लास से ही पढ़ना चालू कर देते हो, लेकिन जब तुम क्लास 11th में आते हो तुम्हें पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ता है। C4 साइकिल क्या है, C3 साइकिल क्या है, उसमें क्या क्या बन रहा है, पूरे कंपाउंड्स के नाम क्या क्या है, वो सब याद करने में मतलब। और मैं तो कहूंगा कि प्लांट फिजियोलॉजी तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ी थी भाई क्लास 11th की। केमिस्ट्री की बात करो तो उसमें मोल कॉन्सेप्ट पहला ही चैप्टर रहता है, और पहले ही चैप्टर में मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई मेरे से नहीं होने वाला, मेरा हो गया भाई। लेकिन अब था कि क्लास 8th से मैंने सोच लिया था कि मुझे MBBS ही करना है, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि इट वॉज लाइक अ ड्रीम जॉब फॉर मी। जब क्लास 11th खत्म हुई तो मेरे को ये था कि क्लास 12 मेरे को मतलब बिगाड़नी नहीं है। अब क्लास 12 में मेरे को ये था कि लास्ट में आते आते मेरा स्ट्रेटेजी ये था कि मैं क्लास 12th अच्छे से पढ़ूंगा, ताकि लास्ट में आते आते मैं क्लास 12th को ज़्यादा रिवाइज ना करूँ। मतलब इन द सेंस कि मैं एक ही बार पढ़ लूँ एंड उसके बाद ऐसा होगा कि मैं सिर्फ क्लास 11th पढ़ूंगा, फिर नीट दे दूंगा, नीट में मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ प्लान के हिसाब से, सब सोचते तो हैं लेकिन उसके बाद जब रियलिटी हिट करती है ना तब समझ में आता है कि असली में हमें करना क्या था। तो क्लास 12th की जब क्लासेस स्टार्ट हुई तो हम लोगों का ऑफलाइन पूरा चलने लगा था, क्योंकि आधी 11th क्लास तो मैं ऑनलाइन ही पढ़ाऊँ। और ऑनलाइन पढ़ने में भाई स्टार्टिंग में जब तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है ना तो ऑनलाइन पढ़ने में मतलब वो एड ऑन हो जाता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आएगा, उसके बाद तुम्हें लगेगा कि तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई है ही नहीं क्लास में। और मैं भी देखता था कि मेरे बैच वाले भाई, सर इसका आंसर ये होगा, सर इसका ये होगा, सर इसका ये होगा, ऐसा ऐसा करते रहते थे। और मेरे को भाई अंदर से सेल्फ डाउट होता था कि भाई मेरे को इतनी समझ में आ रहा है कि सर पढ़ा ऐसा रहे। लेकिन ये क्लास 12th में जब मैंने ऑनलाइन जब ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट किया तब मेरे को मतलब मैंने अपने फ्रेंड ग्रुप मतलब देखो 11th क्लास में मेरे पास कोई भी दोस्त नहीं था एज सच, कोचिंग का कोई दोस्त नहीं था, स्कूल के सारे अच्छे आते मेरे सब दोस्त थे लेकिन एज सच कोचिंग में मेरा कोई दोस्त नहीं था। फिर मैंने क्लास 12th में जब मैं ऑफलाइन जाना स्टार्ट किया तब मेरे पूरा एक फ्रेंड ग्रुप बना था कि हम लोग सिर्फ पढ़ाई की बातें करते थे। और आप आकाश के स्टूडेंट हैं तो आपको ये पता होगा कि आकाश में MBTS होते हैं या ITS होते हैं, तो उसमें मेरा एवरेज स्कोर 620-630 का अराउंड बन रहा था। लेकिन वही है ना कि आते आते जब हम लोग बोर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं, जब हमारे स्कूलों में प्री बोर्ड्स होना चालू होते हैं, सर लोग बोलते हैं कि अटेंडेंस लगाओ। अब एक बात मेरे स्कूल की अच्छी थी कि मुझे डमी मिल चुकी थी कि आपको स्कूल नहीं जाना था, अटेंडेंस ऐसे हमारी चल रही थी सही से, तो हम लोग को स्कूल मतलब बाकी बच्चों से कंपेयर करो तो बहुत ही कम जाना पड़ता था। लेकिन मेरे कोचिंग में ऐसे भी लोग थे जिनको पूरी मतलब कंप्लीट डमी मिल गई थी, जिनको सिर्फ वो लोग सिर्फ स्कूल गए थे प्रैक्टिकल करने एंड जाके सिर्फ बोर्ड एग्जाम देने। लेकिन हम लोग को उसके पहले भी बुलाया जाता था प्री बोर्ड्स के लिए। अब मैं अपने स्कूल को कर्ज नहीं कर रहा हूँ लेकिन अब मैं बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा था मेरे साथ।
कोई भी अगर कोई केपीएस का बंदा देख रहा है तो प्लीज ऑफेंड मत होना। क्लास 12th में एंड में आते आते मेरा जो भी सब मतलब मैंने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी कि मैं क्लास 11th अच्छे से रिवाइज कर लूंगा, और भाई तुम खुद सोचो कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने बचे और तुम 2 महीने में क्लास 11 जो तुम्हें रद्दी भर भी समझ नहीं आई, तुम कैसे समझ लोगे? अब ये मुझे कोई उस समय समझा था तो मैं समझ जाता, लेकिन अभी ये मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मतलब साथ साथ पढ़ना चाहिए था, स्टार्टिंग में उसको पूरा पीछे के लिए नहीं छोड़ना चाहिए था क्लास 11 को, वही मेरा मतलब मेजर ड्रॉबैक था। तो 12th का तो जैसे बोर्ड्स आने लगते हैं तो नीट से ध्यान शिफ्ट होते 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 बोर्ड्स पे चला गया था, एंड बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आ गए थे, 93% आए थे मेरे, लेकिन वही है ना कि सेटिस्फैक्शन जो होती है वो तो नहीं मिली मेरे को, क्योंकि अब मेरा था कि मुझे नीट कैसे भी क्रैक करना है, कैसे भी मुझे MBBS की सीट लेनी ही लेनी है, एंड उसी साल लेनी थी 2023 में लेनी थी, लेकिन गॉड के प्लान्स कुछ अलग थे। तो जब मेरा बोर्ड खत्म हुआ एग्जैक्टली मेरे को शायद डेट याद है 16th of March को हमारा लास्ट पेपर था, एंड लास्ट पेपर भी बायोलॉजी का था। तो उस दिन का पेपर खत्म हुआ तो मैं घर आया, घर आने के बाद मैं पूरा मतलब हमारा 2023 में पेपर शायद 7th of May को था, तो 16th of March से लेकर 7th of May तक मैंने जिस टाइम मुझे सिर्फ पेपर लगाने चाहिए थे, सिर्फ मॉक पेपर्स लगाने चाहिए थे, उस टाइम मैं अपने 11th के वीक कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा था। मतलब भाई मैं अलग सर की वीडियोस देखता था यूट्यूब पे, वन शॉट की कैसे वन शॉट देखता था कि ग्रेविटेशन हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, मेरे को थर्मोडायनेमिक्स कुछ भी नहीं समझ में आई थी, केमिस्ट्री में मेरा फिजिकल केमिस्ट्री तो मतलब बर्बाद ही था समझ लो तुम लोग। अब तुम्हें लग रहा होगा कि इतना बोल रहा है इसका सच में है कि नहीं, अब मैं तुम्हें अगर मेरे पास स्कोर्स अवेलेबल होंगे ना तो मैं अपने स्कोर्स दिखा दूंगा कि तुम खुद समझ जाओगे कितना बड़ा ब्लंडर हुआ था मेरे साथ क्लास 11th में। सो अब नीट का मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, एंड नीट के फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे आए 499 जो कि किसी डिस्काउंटेड टी शर्ट की प्राइस के समान लगता है, लेकिन आई वॉज डेवस्टेटेड उसके बाद भाई बहुत। आई हैव अ सिंगल पेरेंट तो मेरे को था कि मेरे को किसी भी तरह से एक सीट लेनी ही लेनी है, क्योंकि फिर उसके बाद होता है ना बहुत बर्डन सा लगने लगता है। लेकिन अब मेरी मम्मा ने भी ये समझाया कि अब देख नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जो एक साल तुम्हारे पास है उसको ऐसे यूज़ करो कि ये तुम्हारा लास्ट चांस है, एंड मैंने उसको यूज़ भी वैसे किया था कि ये मेरा लास्ट चांस है। सो ड्रॉप ईयर में मैं एंटर हुआ, एंड मेरे को पता था कि अब मुझे मेरा जो पाथ था वो क्लियर था कि मेरा 12th तो बहुत स्ट्रॉन्ग था लेकिन 11th मेरे को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत थी। अब इस ड्रॉप के सेगमेंट को मैं 3 सेगमेंट में डिवाइड करता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इसकी बात करूँ तो फिजिक्स की फैकल्टी देखो हमारे बैच में अच्छी थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी भाई, सीधी बात बोल रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आती थी। तो मैंने क्या किया था, मैंने टेलीग्राम से MR सर के बहुत मतलब लेक्चर्स निकाले थे शायद यकीन 2022 के, तो उनसे मैं पढ़ता था फिजिक्स। सो केमिस्ट्री में मैं ब्लाइंडली कृष्ण सर को फॉलो करता था, जो जो वो नोट्स देते थे, जो जो वो एक्टिविटीज़ बताते थे, जो जो वो बोलते थे कि तुम्हें ये पेपर लगाने हैं, ये तुम्हें सॉल्व करना, जो जो वो PDFs भेजते थे वो मैं सॉल्व करता था। तो केमिस्ट्री मेरी ऐसे ही संभल गई। फिर बायो था तो बायो भी मैंने खुद ही से पढ़ी थी, मतलब जूलॉजी मेरे को पसंद थी एंड जूलॉजी मेरे को समझ में भी आती थी, तो वो मैंने NCERT को बता रहा हूँ मैं, अगर पूरा रफली मैं देखूं पूरे साल में मैंने NCERT कम से कम 30-35 बार पढ़ चुका था, और बॉटनी मेरा थोड़ा वीक सब्जेक्ट है तो बॉटनी में भी मेरे को मतलब थोड़ा सा तकलीफ हुआ था प्लांट फिजियोलॉजी में। बस आखिरी का जो 2.5 महीना था, मतलब मिड फरवरी से अगर तुम जोड़ो एग्ज़ाम की डेट तक जोड़ो, मतलब 5th of May तक, वो उस समय मैं सबसे कट ऑफ हो गया। मैंने यूट्यूब क्विट कर दिया, मैंने सोशल मीडिया क्विट कर दिया, मैंने गेमिंग क्विट कर दी, मैं इवन जिम भी नहीं जाता था उस समय। मैं सिर्फ और सिर्फ 16 घंटे की पढ़ाई मेरी थी कि मेरे को 16 घंटे पढ़ने हैं, पूरा रिवीजन करना है। की पॉइंट्स बताता हूँ कि उन 2.5 महीने में मैंने क्या क्या मतलब मैंने क्या अचीवमेंट्स मैं अपने मानता हूँ कि मैंने अचीव किए हैं उन 2.5 महीनों में। मैंने 6 बार अपना पूरा सिलेबस कम्प्लीट कर लिया, मैंने बायोलॉजी जो पूरी 11th और 12th की थी वो मैंने एक दिन में कम्प्लीट करना चालू कर दी थी, और वो भी धीरे धीरे होता गया। अगर आपने डॉक्टर अनुज की वीडियोस देखी होगी तो आपको पता होगा कि वो कैसे मतलब जब वो भी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, नीट UG के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तब वो भी कैसे 11th और 12th दोनों की बायोलॉजी एक ही दिन में कैसे कंप्लीट कर लेते थे। तो अ बिग थैंक यू टू हिम। तो उनकी जो टेक्निक्स थी वो मैंने यूज़ की एंड इट वर्कड। फिर आखिरी में आते आते मैंना था कि नीट के पहले मतलब 3rd of May को मैंने पूरी 11th और 12th की बायो ख़त्म कर दी, 4th of May को मैंने पूरी ऑर्गेनिक ख़त्म कर दी, इनऑर्गेनिक ख़त्म कर दी। उसके लिए मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, उसके लिए मैंने वर्कशीट्स बनाई थी कि LHS लिख लिया, फिर RHS खुद से लिखना था, पूरी NCERT रट डाली केमिस्ट्री की, एंड केमिस्ट्री में एट दी एंड मेरे बने थे 175 और जूलॉजी में 180 out of 180 थे, बॉटनी में मेरे बने थे 170 बस। तो रह मैं सिर्फ फिजिक्स की वजह से गया, फिजिक्स में मेरे 155 बने, वरना तुम्हारा भाई भी आज KGME में होता। देखो मैं भी थोड़ा इतना ब्राइट स्टूडेंट नहीं था, मैं एक स्टोरी बताता हूँ कि
हमारे को आकाश में जब आखिरी के 3-4 महीने बचते हैं तो एक बैच बनता है इंटेंसिव। तो उसमें क्या होता है कि तुम्हारे कोचिंग की जो ब्रांच होती है उसके टॉप 60 लोगों का एक बैच बनता है, एंड उनके मतलब रोज पेपर होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं। तो हमारे कृष्णा सर ने ये सोचा था कि अगर वो लोग भी पेपर दे लें तो जिनका 600 प्लस का एवरेज है लेकिन वो लोग इंटेंसिव में नहीं है तो उनको भी चांस मिलना चाहिए कि वो लोग भी पेपर दें उनके साथ। तो उन्होंने ऐसे इंटेंसिव 2 बनाया था। फ्रेंकली सिंह मैं इंटेंसिव 2 में भी अपनी जगह नहीं बना पाया। तो मैंने पूरे साल मेहनत की थी, मेरे मार्क्स भी अच्छे आ रहे थे, लेकिन सिर्फ दो टेस्ट में जिसमें मेरे थोड़ा फैमिली इशू हो गया था, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो उसमें दो टेस्ट की वजह से जो मेरा एवरेज था वो थोड़ा कम हो गया, 600 से थोड़ा सा कम हो गया, 596 टू भी एक्यूरेट था मेरा एवरेज। तो मैं सर से बात किया कि सर मेरा तो मतलब वही तबीयत का इशू था, उसकी वजह से कम हो गया। तो सर ने कहा कोई बात नहीं, तुम इंटेंसिव 2 में आओ, पेपर दो। तो इंटेंसिव 2 में मैं गया, मैंने मेहनत की, मैंने पेपर दिए, मेरा 610 बना, 620, 30, 40, 50, जब मैं लगातार 650 पढ़ रहा था मॉक टेस्ट में, तब सर ने कहा नाउ इज द टाइम कि तुम इंटेंसिव वालों को ज्वाइन करो, कि उनके साथ पेपर दो और उनके साथ डिस्कशन करो, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त भी उसमें थे। मेरे 3 दोस्तों का ग्रुप था, सुगंध था, मैं था और हिमांश था। तो अब इन तीनों में मेरी बायो सबसे अच्छी थी, कमेंट कर देना वीडियो देख रहे हो तो, मेरी बायो सबसे अच्छी थी। तो मैं इन लोग को बायो का बता देता था कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हम लोग कैसे मेमोराइज कर सकते हैं। फिजिक्स सुगंध की सबसे अच्छी थी और हिमांश केमिस्ट्री में टॉप था, मतलब ऑलराउंडर्स थे तीनों, ठीक है। तो हम लोग ऐसे अपने में डिस्कस करते थे कि कहाँ गलती क्या हो गई, हम लोग निमोनिक्स बनाते थे, बहुत सारी ट्रिक्स बनाते थे, ऐसे करते 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 फाइनली नीट वाले दिन मेरे 680 आउट ऑफ 720 आए एंड मैं मोतीलाल नेहरू में एडमिशन ले चुका हूँ। अब वो स्टार्टिंग में जो आपने देखा है वो एग्जैक्टली उसी दिन की है, मतलब 30th को हमारी शायद मेरिट लिस्ट आई थी, मेरिट लिस्ट सॉरी कह रहा हूँ, 3rd को हमारी अलॉटमेंट वाली लिस्ट आई थी, तो उसी दिन का वाला वीडियो है मैं आज बना रहा हूँ। आज 4 सितंबर है, एडमिशन मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, फोटोज आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। सो आता हूँ मैं पूरा, मैंने आखिरी के 2.5 महीने अपने पूरे बोर्ड में लिख रखे हैं, 1.5 महीने। ये देखो, ये एक एक टेस्ट की है, ये 21 मार्च से, ये मेरी FTS सीरीज वही 21 मार्च से स्टार्ट हुई थी, एंड ये पूरा CST ऑल थ्रू, ये मेरा 4th मई, पूरी बायो और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फॉर्मा चार्ट, ये क्या है MB, पता नहीं MB क्या है भाई, मैं खुद भूल चुका हूँ। और ये 650 प्लस गेव माई बेस्ट ऑन 20, NTA ने बहुत ही ब्लंडर कर दिया गाइज इस साल, तो उसको छोड़ते हैं। ये मेरे सारे टेस्ट के स्कोर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, जितने भी मैंने दिए। 650 प्लस का टारगेट था, 684 के आया तुम्हारा भाई। और ये था मेरा पूरा रिवीजन करने का तरीका, इसके ऊपर मैं जल्दी वीडियो बना दूंगा अगर आप मेरे को कहोगे तो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपके और भी सवाल हैं या फिर आप कुछ Q&A टाइप का करना चाहते हो तो फील फ्री टू कमेंट, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, अगर मेरे को सपोर्ट करना है तो एक सब्सक्राइब बनता है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप पुशिंग, बाय बाय।